आईपीएल 2023 जो सबसे बड़े लांती इस बार खेले हैं, इस मनुष्य जिन्होंने फैलाई है, जिन्होंने अपनी टीमों को बर्बाद करके रख दिया, जिनको मतलब बार बार मौके भी दिए गए बट उसके बावजूद उन्होंने मेक श्योर किया कि नहीं जी नहीं, अब आपको मैं तबाह होना चाहता हूं। हमने भी मेक श्योर किया है कि जो हमने फ्लॉप 11 बनाई है उसमें 11 खिलाड़ी दिल्ली की टीम के नहीं है। मुंबई से तो है, लेकिन देखो फ्लॉप की जहां तक बात आती है तो पूरी दिल्ली की। देखिए जब आपके हर टीम से फ्लॉप में जब कप्तान ही मुंबई के हो तो बात ही कुछ और है, फिर तो लेवल ही कुछ और। मुंबई के कप्तान नहीं, वो इंडिया के कप्तान, इंडिया के भी कप्तान। आप ये देखो फ्लॉप 11 के कप्तान मुंबई इंडियंस से भी है और इंडिया के कप्तान है। ये हमारी किस्मत है। आपको फ्लॉप 11 दिखाते हैं जी, फुल स्क्रीन कर दीजिए इनको तालियां पहले तो इनके लिए, सबके लिए, लांतियों के लिए। रोहित शर्मा कप्तान, इंडिया के भी कप्तान है। ये हमारा भाग्य देखिए कैसा चल रहा है आजकल। नहीं इंडिया के लिए तो रोहित शर्मा कप्तान है। मयंक अग्रवाल या पृथ्वी शॉ ले लीजिए। राहुल त्रिपाठी चॉइस दे दिए, राहुल त्रिपाठी को रखा हुआ है, राहुल त्रिपाठी। उसके बाद दीपक हुड्डा, मार्करम, दिनेश कार्तिक द ग्रेट, अंबती रायडू, आंद्रे रसल क्यों रख लिया, आंद्रे रसल, उमरान मलिक, क्रिस जॉर्डन, आवेश खान या कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने अपने स्ट्रेचर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं, विकेट्स नहीं लिख दिए उन्होंने, इकोनॉमी हालांकि ठीक ठाक है इकोनॉमी, लेकिन विकेट्स कुलदीप यादव के इतने नहीं। तो शुरू करते हैं, नहीं आप टू विंडो में दिखाइए हमारी फ्लॉप 11। शुरू करते हैं परम पूज्य द ग्रेट, The Tiger of India, the Hitman, जिस प्लेयर की बात हो रही होगी उसके इंडिविजुअल स्टैट्स चेंज करते रहना, the Hitman, फिर प्लेइंग 11, फिर इंडिविजुअल स्टैट्स, the Hitman, the Great, the Power Killer, जिन्होंने इस बार इतनी ताबड़तोड़ पारियां खेली। मैं कह रहा हूं जब जब मौका मिला इन्होंने बहुत प्रूफ कराई। देखिए 20 की महान एवरेज, स्ट्राइक रेट 132 का, 16 मैच में 332 रन, अपनी टीम को डुबाने में सबसे आगे। और फिर भी पूरी दुनिया में ये देखता हूं ना कि जर्नलिस्ट जो है ना, और ये कोई मेरे को इसमें हिचकिचाहट नहीं है बोलने की, जितनों से मिला हूं ज्यादातर विराट को, अरे ये बेकार है इसको बाहर कर दो, चाहे वो मार रहा है सेंचुरी पे सेंचुरी, उसमें को बोलेंगे अरे 60 रन में 60 बॉल में सेंचुरी बनाया है, शुभमन को देखो 50 में बनाया है, ये नहीं देखेंगे कि विराट के साथ कौन कौन खेल रहा है, कौन खड़ा हुआ था, कोई पार्टनरशिप नहीं है, उसने अकेले बना दिया बैक टू बैक सेंचुरी, वो तो विराट का तो टाइम खत्म हो गया, विराट को ड्रॉप कर दो। नहीं नहीं, इंटेंट देखो, रोहित शर्मा का इंटेंट देखो, रोहित शर्मा अबे क्या इंटेंट है, वो आते हैं उल्टा विराट, इवन सहवाग ने बोल दिया अब तो कि ये आते हैं उल्टे सीधे लप्पे लुप्पे घुमाते हैं कि जय जय रामकृष्ण हरि जो भी हो जाए, डोंट वरी, लग गया नहीं तो आउट होकर मैं जाऊंगा। विराट और शुभमन में एक डिफरेंस और है, विराट कोहली की जो टीम है उनको पता है 2-3 लोगों के अराउंड रिवॉल्व पड़ती है, अगर उनके विकेट चले गए तो फिर नीचे से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए वो थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जबकि शुभमन गिल की अगर आप बात करो, उनको पता है अगर उनका विकेट भी चला गया तो उनके पास बहुत ज्यादा डेप्थ है, अच्छी बैटिंग है उनकी, तो उनके ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, तो ये मेजर डिफरेंस है। देखिए आपने रियान पराग को नहीं रखा, आपने जॉस बटलर को नहीं रखा, पांच डके बटलर के यार आप, चलिए वो दिखाइए फ्लॉप 11। देखिए इनके इनके बनाई है ना, इनके मैंने स्टैट्स दिखा दिए, अब इनका थोड़ा सा कल वाले भी जो है ना ग्राफिक्स निकाल लो, जो हमने दिखाया था कि 2022 वर्ल्ड कप में क्या किया है, 2021 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने क्या किया है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि इस टाइम पर रोहित शर्मा हमारे T20 के ऑफिशियली कप्तान हैं, और दो वर्ल्ड कप इन्होंने ऑफिशियली खराब किए। मैं यूएई वाले वर्ल्ड कप से बोल रहा हूं, हालांकि रोहित शर्मा मेरे फेवरेट बैटर रहे, बट इंडिया के लिए तो झूठ नहीं बोल सकते आप। मैं यूएई वाले वर्ल्ड कप से इनकी बैटिंग देख के बोल रहा हूँ कि T20 में इनसे बैटिंग नहीं हो रही ना, आईपीएल में T20 में इनको कप्तान मत बनाओ, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई, क्यों विराट को चांस दिया, रोहित को भी चांस दो, ये करो वो करो, अबे क्या पासिंग द पार्सल चल रहा है क्या, किसी को भी दे दोगे। जब बैटिंग नहीं हो रही T20 में, राइटिंग ऑन द वॉल है कि नहीं बैटिंग हो रही, तो नहीं बैटिंग हो रही, आप जबरदस्ती कर करके बर्बाद करे जा रहे हो। कल भी देख लो आप इतने इंपॉर्टेंट गेम में, उससे पहले वाले में भी देख लो, SRH वाले गेम में भी कैच छूटी थी तब 50 बना था, जाके आया। मतलब रोहित शर्मा ने जो इस साल में नई अप्रोच बनाई है कि मैं भाई अग्रेसिव क्रिकेट खेलूंगा, जाते अग्रेसिव इंटेंट दिखाऊंगा, वो पूरी तरह से इनके ऊपर बैकफायर किया है। हालांकि रोहित के इसके ऊपर यही कह रहे हैं, बोल रहे लोग आप देखिए रोहित शर्मा 2021 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट अंडा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 14 रन, वो भी कैसे आए थे हमें याद है कि ये ईशान किशन को ओपनिंग में भेज दिया था, फिर ये नीचे आ गए थे पहली बॉल पे, तब भी आउट थे, किस्मत के धनी है। ट्रेंट बोल्ट की पहली बॉल पे कैच उछल गई थी, गोल्डन डक था, वहां पे भी बच गए थे, 14 रन बन गए फिर भी। फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट रन मार दिए, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट रन मार दिए, नामीबिया के अगेंस्ट रन मार दिए, इनको कप्तान बना दिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये तो हमारी थिंकिंग है। उसके बाद देखो 2022 जब कप्तान बन के गए ऑस्ट्रेलिया में, तब क्या हुआ भैया आपका, 2022 में 4 रन पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है जी,
पाकिस्तान जो सबसे इंपॉर्टेंट गेम थी जहां आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाता था, हमारा कप्तान बना रहे चार रन बैक टू बैक, केएल राहुल भी फ्लॉप, रोहित शर्मा भी फ्लॉप। फिर जी नेदरलैंड, नेदरलैंड के अगेंस्ट 53 रन है, यहां पे भी कैच ड्रॉप थी भाई, हमने तो फॉलो करा ना, फिर भी कोई जर्नलिस्ट कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म इनको कभी कुछ नहीं बोलता, बात नहीं करता इनके बारे में, क्योंकि देखो जेन्युइनली बताऊं बहुत अच्छे इंसान है, आप कभी भी बात कर लो इनसे, मैं खुद एक्सपीरियंस करा है कि बहुत अच्छी तरीके से, तहजीब से, बड़ी तमीज से और बड़े डाउन टू अर्थ इंडिविजुअल है, तभी एवरीबॉडी लाइक्स हिम। विराट कोहली ज्यादातर एक्सेसिबल नहीं थे, सच्ची सी बात यही है, विराट कोहली के पास ना टाइम था ना वो ज्यादातर इन चीजों में रहते थे ना उन्होंने बात करी, अब पता नहीं जर्नलिस्ट उनसे क्यों खफा है, बट पर्सनल रीजंस है, बैटिंग की वजह से नहीं है, वरना अगर आप विराट के नंबर देखोगे तो उनको कोई बोल नहीं सकता कि T20 से बाहर निकाल दो, यहां पे तो पूरी दास्तान रामायण पूरी लिखी हुई आपके सामने। नेदरलैंड के अगेंस्ट 53 है जो कैच ड्रॉप के बाद है, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट 15 रन, बांग्लादेश 2 रन, जिम्बाब्वे 15 रन, इंग्लैंड में सेमीफाइनल 28 बॉल पर 27 रन ओपन करते हुए, तो किस मुंह से आपने बनाकर रखा हुआ था, और अब आप आईपीएल में भी देख लो, अब आप आईपीएल 2023 में देख लो। तो ओवरऑल रोहित शर्मा हमारी फ्लॉप 11 के कप्तान है, आ जाइए वापस फ्लॉप 11 के ऊपर, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है कि इस साल के हालांकि क्वालिफाई 2 खेल गए हैं बट हमारी फ्लॉप 11 के कप्तान जो है वो ताज जो है वो हम रोहित शर्मा के सर पर ही सजाना चाहते हैं। चारू जी कुछ और एलैबोरेट करना चाहेंगे आप इसके ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने लिस्ट बनाई है। हाँ, रोहित शर्मा को कैप्टन इसीलिए बनाया, ऑब्वियसली एज अ कैप्टन अपनी टीम के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, हम सुबह भी यही बात कर रहे थे, अपनी टीम को 9वें 10वें नंबर से लेकर के 3 नंबर तक लेकर गए तो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट उनके साथ मसले भी बहुत ज्यादा थे, बॉलिंग अच्छी नहीं चल रही थी, स्ट्राइक नहीं कर रही थी इनकी बॉलिंग, लेकिन उसके बावजूद भी हालांकि कल आकाश मडवाल को काफी मार पड़ी है, लेकिन उसके बाद भी वहां तक पहुंच पाना भी कोई आसान खेल नहीं है, वहां तक पहुंचे तो कप्तानी इनकी बहुत अच्छी रही। लेकिन अगर बात करें फ्लॉप प्लेयर्स की, खुद की परफॉर्मेंसेस रोहित शर्मा की बिल्कुल भी नहीं आई है, और जो 50 भी इनकी आई है ना वो भी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं थी, इसीलिए आप इनको कप्तान बनाया गया है यहाँ पे। और अब जब बात करते हो कैप्टेंसी की, जब कैप्टन अगर टीम ये देखेगी ना हमारा कैप्टन क्या कर रहा है वो तो आपकी तरफ देखेगी, जब आपके कैप्टन ही लगातार फ्लॉप चल रहे हैं वो भी ओपनिंग करते हुए, तो फिर तो उसके बावजूद भी आपकी टीम वहां तक पहुंची है तो भाई तालियां हैं फिर तो आपके लिए, क्योंकि आप खुद तो एकदम जीरो एकदम शून्य रहे। चलिए इसके आगे आ जाइए, रोहित शर्मा का तो मेरे को तो लगता है किस्सा खत्म है, T20 में नहीं खेलना चाहिए, वैसे तो अगर बात बैटिंग तो इनसे हो नहीं रही है बिल्कुल भी नहीं, वर्ल्ड कप्स में देख लिया, एशिया कप में देख लिया, आईपीएल में देख लिया, और पिछले 3-4 साल आईपीएल में देख लो, मयंक अग्रवाल या पृथ्वी शॉ, दो महानतम खिलाड़ियों में से चुनेंगे, मैं इसमें सीधा सीधा पृथ्वी शॉ को लूंगा, मैं भी लूंगा। और एक खिलाड़ी अगर किसी का आईपीएल सीजन इतना खराब जा रहा हो भाई, वो प्रैक्टिस करेगा क्या, करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा, इन दिनों पृथ्वी शॉ क्या है भाई साहब, आईफा गया, आईफा में भी पृथ्वी शॉ को किसी ने बोल दिया कि ऋषभ भाई क्या हाल है, हाँ जी आईफा के रेड कार्पेट में जा रहे थे, कपड़े कुपड़े काले कुले पहन के, अमीरी की जैकेट पहन के, शोर तशनबाजी, बट वहां पे भी किसी ने मेरे ख्याल बोल दिया कि ऋषभ भाई कैसे हो, तो हंस रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। पृथ्वी शॉ जी 8 मैच में 106 रन, देखा था मैंने 8 मैच में 106 रन है, हाईएस्ट 54 का है, वो भी जब वापस आए थे, एवरेज देखिए महानतम एवरेज 13 की, स्ट्राइक रेट 124 की, और चेने चुने डाल के और आईफा में घूम घुमा के एंजॉय कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से जितना इस आदमी ने डिसअपॉइंट करा है पूरे के पूरे टूर्नामेंट में किसी ने डिसअपॉइंट नहीं किया है, और देखो ये जो लिस्ट हमने बनाई है स्पेशली इसका क्रेडिट चारू जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने फ्लॉप पकड़े के मैं ढूंढ ढूंढ के लेकर, बट कप्तान आपने रखा रोहित शर्मा, कप्तान मैंने रखा है रोहित शर्मा को, और क्या कहते हैं इसका रीजन भी ये था ये लिस्ट बनाने का कि अपने कद से किसने खराब खेला, वरना अगर रोहित का तो वह नाम ही नहीं बनता ओपनर्स में, क्योंकि बाकी आप पृथ्वी शॉ देख लो, मैं अगर देखो उन्होंने इतने भी रन नहीं बनाए, अगर रनवाइज देखे तो किन्होंने अपने कद से बहुत नीचे हिसाब से रोहित बहुत उस हिसाब से हमने फ्लॉप 11 बनाया, और पृथ्वी शॉ के साथ भी सेम है, बहुत बड़ा नाम हो आप उसके बाद बावजूद आप तो वॉकिंग विकेट 8 में अगर 106 है, मयंक अग्रवाल दिखाना, पीछे रहे कितने रन जाते हैं मयंक अग्रवाल दिखाना, मयंक अग्रवाल, मयंक अग्रवाल कर रहे हैं जो तो मयंक अग्रवाल पृथ्वी शॉ तो ठीक ही है, तो यहाँ पे मैं पृथ्वी शॉ को लूंगा जी, मयंक अग्रवाल भी बहुत ही फिट है, वो परफॉर्मेंस है वो आखिरी पूरे के पूरे टूर्नामेंट में चले नहीं, मुंबई के अगेंस्ट आखिरी मैच में चले जो 89 रन बना दिए, मेरे को फ्लॉप 11 दिखाइए फिर से, जो हमारी फ्लॉप 11 तो हमने डिसाइड करा ओपनर्स रोहित शर्मा कप्तान और उसके बाद पृथ्वी शॉ,
तीसरे पे राहुल त्रिपाठी, ये थोड़ी ज्यादती नहीं होगी राहुल त्रिपाठी? ज्यादती इसलिए नहीं होगी क्योंकि पहले तीन चार मैचेस में राहुल त्रिपाठी चले हैं, वहां पे जो शुरुआती मैचेस आप जीते हैं वो इन्हीं की बदौलत जीते हैं। 74 रन नॉट आउट पंजाब के सामने परफॉर्मेंस आया, अगर आपने 200 से ज्यादा रन बनाए कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जिस तरह नितिन ने पहले कहा अगर आप अपने औहदे से खराब खेल रहे हैं, जब आपकी टीम को जीतना करो या मरो की परिस्थिति थी, वहां पर राहुल त्रिपाठी ने एक भी मैच में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। इसमें ज्यादती क्या है आप बताओ, 13 मैचेस, अरे ठीक है 22 की एवरेज चल रही है, 28 स्ट्राइक रेट, और उसमें भी देखो 74 रन एक मैच में, इन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, 12 मैचेस में इन्होंने 199 रन बनाए। ये पिछले आईपीएल की वजह से जो खेला था इन्होंने, सनराइजर्स के बावजूद इसके कि सनराइजर्स के लिए खेलते थे, ये टीम इंडिया में आ गए और टीम इंडिया के लिए भी अच्छा खेले, टीम इंडिया के लिए भी बड़ा फियरलेस अप्रोच दिखाई और बढ़िया खेले, बट पता नहीं आज फिर क्या हो गया इस आईपीएल के अंदर। एक्चुअली सनराइजर्स हैदराबाद तो भैया जितनी जल्दी वहां से निकल सको निकल जाओ, मैनेजमेंट ही इतनी बेकार है मुझे लगता है कि ये लोग पता नहीं अच्छे खासे प्लेयर को भी, जब मार्करम कप्तान होके बोल रहे हैं मुझे पता ही नहीं उमरान मलिक क्यों नहीं खेल रहा, मुझे पता ही नहीं, तो फिर आपको पता ही नहीं है तो क्या चलेगा फिर। आगे आ जाइए फ्लॉप 11 फिर से दिखाइए। और राहुल त्रिपाठी पिछले 3-4 सीजन से इससे पहले 350-400 रन एवरेज फ्लॉप 11 हर सीजन में कंसिस्टेंट, तो इसको फुल स्क्रीन करना, इसको फुल स्क्रीन करना फ्लॉप 11 ऑफ आईपीएल 2023। तो यहां पर रोहित शर्मा कप्तान, आप साथ में ओपनर ले सकते हैं मयंक अग्रवाल या पृथ्वी शॉ, हम चूज कर रहे हैं पृथ्वी शॉ, तीसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी और चौथे नंबर पर जो नाम है सबसे मेरे ख्याल इस पूरी लिस्ट में कोई भी उनके आसपास हिम्मत भी नहीं कर सकता कि उनसे आंखें मिला के देख सके, इतने बड़े फ्लॉप, इतने बड़े फ्लॉप की फ्लॉप भी शर्मा जाए, फ्लॉप शब्द भी शर्मा जाए कि ये मेरी डेफिनेशन, इतनी लेवल की लानत तो नहीं थी मुझ पर। दीपक हुड्डा द ग्रेट, दीपक हुड्डा को खिलाती रही एलएसजी, खिलाती रही, एक मैच के लिए बाहर करा, फिर ओपनर बना लिया, फिर नीचे कर दिया, फिर ऊपर कर दिया, फिर एलिमिनेटर भी खिला दिया, बट दीपक हुड्डा ने हार नहीं मानी। उन्होंने बोला कि तुम मुझे खिलाते रहो, सोचते हो कि तुम मुझे खिला लोगे और मैं रन बना दूंगा, नहीं अगर तुम्हारे बस की है तो मुझसे रन बनवा के दिखाओ। दीपक हुड्डा इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे बड़े फ्लॉप प्लेयर, इंडिया प्लेयर होने के बावजूद, जिसको बोला जा रहा था कि विराट कोहली की रिप्लेसमेंट करेंगे नंबर 3 पे, वो इंसान सुपर फ्लॉप भाई साहब, ऐसे ऐसे स्टैट्स, मुझे स्टैट्स देख के विश्वास भी नहीं हो रहा, इस इंसान को बोला जा रहा था कि ये विराट कोहली की जगह लेगा T20 क्रिकेट में। अब क्या सोच के बातें बोली थी, 12 मुकाबलों में 84 रन, जितने आजकल अमूमन विराट और शुभमन एक मैच में बना रहे हैं, 17 का सर्वाधिक है, 7 का एवरेज है, 93 का स्ट्राइक रेट है, इससे अच्छे रन तो शायद किसी बॉलर ने बना दिए। इन्होंने 12 का पहाड़ा पड़ा है, अब देखो 7 की एवरेज है और क्या खेले हैं, कमाल का, बहुत बढ़िया। 12 अगर किसी बैटर की 12 मैच खेल के 7 की एवरेज हो, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर उन पे भरोसा कर पाऊंगा। 12/784 ही होता है, अरे तो वो तो होएगा ही, जब एवरेज है उसकी तो उतनी रन बनेंगे ना, लेकिन ये जरूर है कि 93 की स्ट्राइक रेट, 100 से कम की स्ट्राइक रेट और 7 की एवरेज, बहुत खराब भाई, 7 की एवरेज और टॉप ऑर्डर बैट्समैन, हाईएस्ट 17 रन है हाईएस्ट शायद, अगर इस आईपीएल में दीपक हुड्डा के हाईएस्ट रन है 17 दिल्ली के सामने, तो अगर शायद रियान पराग के देखे तो वो भी बेटर निकले, रियान पराग इससे बेटर होगा, इनफैक्ट लोमरोर के भी बेटर है भाई, लोमरोर छोड़ दो, रियान पराग के भी निकाल के रखना, रियान पराग के, बिकॉज बहुत लोग बोल रहे हैं लॉर्ड रियान पराग का है, उसको स्पेशल मेंशन में रखेंगे, बट रियान पराग के भी बना लो, इंपैक्ट प्लेयर भाई। दीपक हुड्डा को हुआ क्या था मुझे नहीं पता, बट गौतम गंभीर की हिम्मत है, लखनऊ सुपर जायंट्स की हिम्मत है, बहुत हिम्मत है भाई, कि आपने इस प्लेयर को इतना बैक किया, इतना ज्यादा। अब पता नहीं इनको कोई मानसिक तौर पे कोई स्ट्रेस था या डिस्टरबेंस थी या ये फॉर्म में नहीं थे या इनसे पता नहीं इंजरी कंसर्न ना हो, पता नहीं क्या था, बट पूरे टूर्नामेंट में एक बच्चे को, मैं कह रहा हूँ ये कोबरा को भी ले जाते तो शायद ये भी कभी ना कभी 17 से ज्यादा मार देती। आप कभी खेलो मेरे साथ, चारू कह रही है चारू बना देती, बताइए आप पहले जैसे भी उल्टे सीधे मार के, आप पहले मेरे साथ कभी खेलें फिर आप मेरी बैटिंग पे शक कीजिए, बैटिंग पे शक करिए, आपके आपके वजन से ज्यादा बैट का वजन होता है, आप करेंगे क्या ये बताइए, आपका कितना कितना होता है, 60 किलो होता है आपका, 6.5 किलो आपका वेट, बैट का 7 किलो वेट, फिर क्या करोगे आप, कोई बात नहीं उठा लेंगे, फ्लॉप 11 रोहित शर्मा, मयंक और पृथ्वी शॉ, उसके बाद राहुल त्रिपाठी, उसके बाद द ग्रेटेस्ट फ्लॉपस्टर ऑफ द सीजन दीपक हुड्डा।
अब आते हैं मार्करम, मार्करम जो शुरुआत हुई थी जो बढ़िया खेल रहे थे, ये वाइस कैप्टन है, बढ़िया खेले थे, अच्छी पारी भी आई थी, बट उसके बाद मार्करम ऐसा लगा कि भूल ही गए कि मैं हूं कहां, मैं खेल क्या रहा हूं, मैंने कैसे बैटिंग करनी है। मार्करम के स्टैट्स देख लो आप, मार्करम से उम्मीदें पता क्यों बड़ी थी, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अभी बिल्कुल आईपीएल जब शुरू हो चुका था लगभग शायद एक या दो अप्रैल की बात है, नीदरलैंड के सामने 175 रनों की पारी खेली हुई, फिर वहां बैक टू बैक लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस की, तो मार्करम जिस तरह से साउथ अफ्रीका टी20 जितवाकर भी आ रहे थे तो उस कारण से उम्मीद थी कि भाई मार्करम मार्करम के नाम का हुआ बहुत बन गया था, पर लेकिन एसआरएस की जो शायद मैनेजमेंट रही उसके जो झमेले चले, जिस तरह सुशांत भाई ने भी बताया कि वहां पर आपके लिए पता ही नहीं था कप्तान के उमरान मलिक क्यों नहीं खेल रहे हैं। So I think this was the prime reason कि एडन मार्करम भी टीम के साथ कुछ उतना ज्यादा इन्वॉल्व नजर नहीं आ पा रहा। मतलब कैप्टन को एक और बात है जो मैं शेयर पहले की नहीं थी कि जब मैं बासुदा अरुण जेटली स्टेडियम गए थे, हैदराबाद की टीम की प्रैक्टिस चल रही थी, होता ना कि एक कप्तान प्रैक्टिस में भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व नजर आता है, वहां पर मार्करम कुछ उतना ज्यादा इन्वॉल्व भी नजर नहीं आ रहा। फ्लॉप 11 दिखा दीजिए, 22 का एवरेज है, 22 का एवरेज 125 की स्ट्राइक रेट बिल्कुल सूट नहीं करता है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं इससे ज्यादा, जब क्लासन स्कोर कर रहे हैं, जब आपके लिए आपके और जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो भी स्कोर कर रहे हैं, आपसे बिल्कुल ही नहीं लग रहा, बेसिकली कप्तानी मिली जब से इनको बर्बाद हो गए, और इन्होंने बोला भी कि उमरान मलिक को क्यों नहीं खिला रहे मुझे पता नहीं, तो उनको टीम में भी पता नहीं क्या चल रहा है। तो फ्लॉप 11 में वापस आते हैं, मार्करम का नाम ठीक है, बट उसके बाद अगर दीपक हुड्डा के बाद कोई ऐसा परम पूज्य इंसान है जो कि इतना फ्लॉप हुआ है कि उसने दीपक हुड्डा को भी चैलेंज कर दिया कि तुम में भी अगर शक्ति है तो मेरे सामने आके दिखाओ, इतना बड़ा फ्लॉप हूं मैं, वो आदमी का नाम है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक जी पिछली बार फिनिशर क्या फिनिशर है जी, वर्ल्ड कप खेलेंगे, फिनिशर वर्ल्ड कप में गए, दो बॉल पे दो रन चाहिए थे, आउट होके वापस आ गए पाकिस्तान के अगेंस्ट, पूरा मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो तो भला वो अश्विन का, अश्विन कह रहे भाई बॉल भी मैं करूं बैट भी मैं करूं, तो दो बॉलों में दो रन उसने बनाए, एक तो वाइड दी, दूसरी बॉल पे उसने हिट लगाया, पाकिस्तान जीता है, बचाया, विराट कोहली की इतनी बड़ी नॉक पानी में थी। ये आदमी मजाल है कि किसी मैच में इनको ये हो जाए कि भाई मैं रन बना लूं, 11 की एवरेज, 134 की स्ट्राइक रेट, बट मेनली 11 की एवरेज, बार बार ऐसा हुआ कि आरसीबी ऐसे पोजीशन में भी था जहां से जीत सकते थे, बट दिनेश कार्तिक ने बोला ना 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 ना, मैं तो इस बार फ्लॉप का किंग बन के रहूंगा, दीपक हुड्डा को मैं भस्म करके रहूंगा, इतनी बुरी परफॉर्म, और बात यह भाई कीपिंग भी नहीं कर रहे, आधे टूर्नामेंट कीपिंग करी, आधे से ज्यादा उसके बाद अनुज रावत कीपिंग कर रहा है, ना कीपिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है, तो कमेंट्री कर लो फिर, कर रहे हैं सही है, वापस तो कमेंट्री कर के वापस अभी पहुंच गए, हार गई टीम, खत्म हो गया इनका, तो काम ये भी पहुंच गए, वेंकटेश शेरी पहुंच गए, फैब टू प्लेसेस भी पहुंच गए, आजकल क्रिकेटर के इतना कुछ है, लेकिन दिनेश कार्तिक पे कर रहा है, यहां पर काफी हद तक आरसीबी के मैनेजमेंट की भी गलती थी कि आपने कोई बैकअप रखा ही नहीं, क्योंकि जब आप दिनेश कार्तिक से विकेट कीपिंग भी नहीं करवा रहे हो, आपके पास कोई बैकअप पे इंडियन बैटर भी नहीं है एक्सपीरियंस जो दिनेश कार्तिक की जगह ले ले, जिसके चलते आपको फोर्सफुली एंड तक दिनेश कार्तिक को खिलाना पड़ा, आप सिर्फ पिछले सीजन की फॉर्म के आधार पर दिनेश कार्तिक पर अंधाधुंध विश्वास करके चल पड़े, जो आरसीबी की मैनेजमेंट को पूरी तरह कॉस्ट करके गए, नहीं पर इतने मैचेस आपको दिए, इतनी बैकिंग दिखाई, तो आप तो रिटर्न में कुछ देते, रिटर्न में आप क्या दे रहे हो, 12 का भी आपका एवरेज नहीं है, और पिछले सीजन के सुपरस्टार रहे, इस सीजन में एकदम फ्लॉप शो, तो एक्सपेक्ट नहीं करते, इनको बाहर कर देना चाहिए, इनकम टैक्स फाइल नहीं किया आपने, क्या इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दिया ना इन्होंने, इनको बाहर कर देना चाहिए था पहले ही, इनके बस की नहीं थी, मजाक कर रहा हूं यार मैं, ऐसे सीधे समझ में नहीं आया ना, जोक ही समझ में नहीं आया, ये बेचारा पागल है, हाई लेवल का जोक है इसका, कल से जो कल जो मुंबई की कुटाई हुई है ना, बेचारा पागल हो चुका है, थोड़ा के लिए दूध लाएगा कटोरी में, फ्लॉप 11 पे आ जाइए, फ्लॉप 11 में वापस आ जाइए, दिनेश कार्तिक को नमस्ते है, नतमस्तक हूं मैं इनके सामने की क्या बैटिंग करी है उन्होंने, वाह 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 मजे आ गए दिनेश जी, वेरी गुड। फ्लॉप 11 पे दिनेश कार्तिक के बाद एक ऐसा नाम विद अ वेरी हैवी हार्ट, जिसको कि सबने सोचा था कि ये प्लेऑफ में ये हो जाएगा, वैसे तो एक मैच बचा हुआ है, ये कर देंगे वो कर देंगे उखाड़ देंगे फोड़ देंगे, राइडू का बहुत बड़ा नाम है, सॉरी टू से बट एक मैच में भी नहीं चले हैं, एक मैच में एक दो छक्के मारे थे, ओवरऑल अगर अम्बती राइडू को दिखाएं हम, ओए होए होए स्टिल बेटर देन डीके, स्टिल बेटर क्या है, बराबर ही है ऑलमोस्ट, नहीं 112 की 15 की क्या है, नहीं नहीं थोड़ा तो सिर्फ इनसे बेटर वही है दीपक हुड्डा, सात दीपक हुड्डा से कोई कंपटीशन नहीं है, सात है उसकी एवरेज, बट यहां देखो 15 की एवरेज, 132 की स्ट्राइक रेट, 139, इनको हुआ क्या है वैसे इस बार, इनको मुझे भी अच्छा खासा खेलते थे ये, पिछले भी सीजन भी ठीक ठाक थे, इतने बुरे तो कभी भी नहीं थे, 15 की एवरेज, हाईएस्ट 27, अब जो है उमर मुझे लग रहा है होने लगा, नहीं यार उसी की वजह से शायद यार, अब आप देखो राइडू और बिल्कुल पिछले सीजन में
जो लगातार छक्के मार रहा था बंदा, और इनको ऐसा भी नहीं है कि एक मैच में खिलाया एक मैच में ड्रॉप कर दिया, ऐसे इतना कैसे हो जाता है यार? नहीं हो जाता, 15 मैच बेकार गए ना, सारे आपने सारे मैच खिलाए। रायडू सिर्फ अब आप आईपीएल खेलते हो, आप शायद टीएनपीएल भी रायडू पता नहीं मेरे को खेलते हैं नहीं खेलते, लेकिन सिर्फ रायडू आप आईपीएल खेलते हो साल भर, उसके बाद कोई रणजी नहीं कोई कुछ नहीं, फिर डायरेक्ट आप आईपीएल में आ रहे हो है ना, तो उसके बाद कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। और मुझे लगता है शायद के इसीलिए बैटिंग नहीं हो रही है, एक तो फिटनेस पता नहीं, फिटनेस भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, समझ तो अगर ये चीज हमें पता होती है तो फिर हमको टीम को भी ये चीज सोचनी चाहिए ना कि आपका प्लेयर कितना खेल करके आया और कितना फिर यहाँ जाकर आपके लिए कर सकता है, तो फिर उनको 15 के 15 मैचेस में मौके नहीं देने चाहिए थे, किसी और को आप ट्राई कर सकते थे, जबकि मुंबई वालों ने अपने सभी बॉलर्स को ट्राई कर लिया, आपके पास भी ऑप्शन थे, आप किसी और को ट्राई कर सकते थे, हो सकता है कोई तुषार देशपांडे जैसे बॉलर निकल के आए, कुछ अच्छा कोई अच्छा बैटर भी निकल के आ सकता था, तो इतने फिर चांसेस नहीं देने चाहिए थे मेरे हिसाब से रायडू को, बट रायडू को बहुत मौके मिले, बट अभी भी लास्ट भी फाइनल भी वो खेलेंगे, बहुत ज्यादा इधर पुश भी किया गया, बट आई डोंट थिंक कि इनकी परफॉर्मेंस ये मौके डिजर्व कर रहे हैं जिस तरीके से इनको इतने मौके मिले, बट आई थिंक अगर फाइनल में आए थे रन तो बात खत्म है फिर। यहाँ पे एक पॉइंट है ना कि महेंद्र सिंह धोनी ने पता नहीं क्यों पूरा सीजन अंबाती रायडू को बैकिंग दिखा रहे हैं, फ्लॉप 11 पे आ जाइए आप, अंबाती रायडू की जगह यार शुभ्रांशु सेनापति करके एक नाम है ओडिशा से आते हैं के खिलाड़ी, उनको मौका एक मिल जाता ना आई थिंक सो, जिस तरह से बाकी टीमों ने कभी कभी यंगस्टर्स को चांस दिया, पंजाब ने अथर तैड़े को दिया, मुंबई ने आकाश माधवाल को दिया, कईयों ने परफॉर्म करके दिखाया है, धोनी शायद अगर एक बार वहां मौका दे देते किसी भी युवा नाम को, शेख राशिद वहां मौजूद थे, शुभ्रांशु सेनापति, तो शायद दिशांत सिद्धू भी थे आपके पास एक, तो शायद एक और एक अच्छा मूव हो सकता था। अंबाती रायडू उसके बाद अंबाती रायडू का देख लीजिए, मतलब मुश्किल ही लग रहा है कि वापसी हो गया, फाइनल में रन आ गए तो पता नहीं, बट मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। उसके बाद एंड्रे रसल, एंड्रे रसल नाम बड़े और दर्शन बहुत ही छोटे, हर मैच में इनसे उम्मीदें, कभी रवि बिश्नोई बोल्ड कर दे रहा है, कभी कोई आउट कर दे रहा है, बॉलिंग ठीक ठाक हो रही है, बट बैटिंग में इतनी डिसअपॉइंटिंग, इनकी एक पारी आई है इनकी, पूरे इनके 14 मैचेस में से एक पारी आई है, आप देखिए 20 का एवरेज है, 145 का स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट है 42 का, जिस पोजिशन पे खेलते हैं हाईएस्ट, चलो ठीक है 14 मैच में 227 रन, बट जब जब इनसे उम्मीदें थी तब तब इन्होंने बर्बाद किया है, जब जब इनसे उम्मीदें थी कि आज एंड्रे रसल कुछ कर जाएंगे, बड़ा कुछ जलवा दिखाएंगे, तब इन्होंने बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया। और इनका भी मुझे ऐसा लगता है कि यार केकेआर को देखना चाहिए कि कितना एक, बिकॉज देखो छुई मुई की तरह इनकी बॉडी हो चुकी है, जरा सा गिरते हैं लगता है इंजर हो गए, है ना, भरोसा नहीं होता कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, बट एंड्रे रसल का है कि मैच विनिंग एबिलिटी तो इनके ऊपर है ही नहीं भाई, आप अगर 14 मैच में एक मैच में कुछ कर रहे हो तो फायदा क्या है आपका, कम से कम 3-4 मैच, इनकी दहशत नहीं है अब, बिल्कुल नहीं, इनसे कोई डरता नहीं है अब, पहले रसल मसल नाम से ही डर जाते थे सामना वाला ऑपोजिशन, बॉलर घबरा जाते थे, अब तो ये लगता है कि ये घबरा जाते हैं किसी भी बॉलर, पता है डरते किससे हैं, इन्हीं की टीम के खिलाड़ी, रिंकू सिंह, रिंकू सिंह हमारी टॉप 11 में भी है, बिल्कुल है, आगे आ जाइए, फ्लॉप 11 दिखा दीजिए फिर से, एंड्रे रसल तक हम पहुंच गए और खत्म ही हो गया, नेक्स्ट कौन है, रसल और था है पूरी तरह से खत्म हो गया। एंड्रे रसल के बाद जी उमरान मलिक, खेले भी कम लेकिन जितना खेले पिटे जरूर, अब मेरे ख्याल से नीतीश राणा ने एक ओवर में कितने 30 रन मार दिए थे, 28 रन मार दिए थे, 28 आपने प्रेडिक्ट किया था ना किस रनों का, आई थिंक मैंने बोला था वो ओवर के इसमें छक्के ही आएंगे, 28 का ओवर था, और क्योंकि नीतीश राणा बैकफुट पे खड़े हुए थे, ये छोटी बॉल ही पटकते रहते, जब तक छोटी बॉल करते रहोगे भैया तब तक पिटते रहोगे। शोएब अख्तर का मेरा इंटरव्यू है दोहा में जो करा था, उसमें शोएब अख्तर ने बोला था कि अग्रेशन जो है वो लेंथ में होती है, आप तेज करो जितनी मर्जी बट जब तक लेंथ ठीक नहीं करोगे तब तक पिटोगे पिटोगे। देखो 8 मैच में 5 विकेट है, इकोनॉमी रेट 10.85, मतलब कि ये तो रन मशीन बन गए थे, बेस्ट इनका 2/32, इससे बेटर तो पिछले साल गया था एक्चुअली, आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद पूरी तरीके से, 16 मुकाबलों में तकरीबन 21 विकेटें थी, 14 में 21, इन्होंने बहुत डिसअपॉइंट करा, क्योंकि मैं तो उमरान मलिक को देखना चाहता हूँ भाई टीम इंडिया में, मुझे तो पेस अच्छी लगती है, देखना चाहते हैं लेकिन अगर ऐसा परफॉर्मेंस आएगा तो आप किस बिना पर देखना चाहोगे उमरान मलिक को, जब टीम इंडिया में वो 3-4 मैचेस मिले हैं बहुत ज्यादा खराब थे, हालांकि आयरलैंड के अंदर इन्होंने एक मैच विनिंग ओवर डाला था जब आखिरी ओवर में कुछ 15-16 रन इन्होंने डिफेंड कर लिए थे, लेकिन ये आईपीएल का सीजन उमरान मलिक का खराब परफॉर्मेंस के साथ साथ काफी क्वेश्चंस में घिरा रहा कि खेले ही क्यों नहीं, किसी ने कप्तान को नहीं पता, सिर्फ मैनेजमेंट को पता खिलाया क्यों नहीं आपने, क्रिस जॉर्डन खराब परफॉर्मेंस, क्रिस जॉर्डन उसके बाद है जी नाम, क्रिस जॉर्डन भी ऐसा नाम है कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, अपनी डेथ कराने में स्पेशलिस्ट, जोफ्रा से भी खराब गया, इतना मार खाई, इतनी मार खाई कि मुंबई का सीजन ही खत्म कर दिया जॉर्डन, वैसे इनके डिफेंस में ये जरूर है कि कल बेचारे ने आउट कर लिया था शुभमन गिल को और कैच ही नहीं हो पाई, आपने कैच छोड़ दिया, जब 6 मैचेस में 3 विकेट है तो सही लेकिन इकोनॉमी रेट देख लीजिए, इतना पिटते हैं जब पिटना शुरू होते हैं 24-24 रन 25-25 रन एक ओवर में, और फिर हंसते भी हैं,
एक मैच इनका ठीक गया था, लेकिन ओवरऑल सुपर फ्लॉप क्रिस जॉर्डन। कोई मेरे को अगर बोले क्रिस जॉर्डन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, उसके हाथ जोड़ रहा हूं मैं भाई, प्लीज ऐसी बातें ना करा करें। कल लेकिन यार इसके साथ थोड़ा सा धोखा हुआ, खोबरा हुआ, कैच होनी चाहिए थी यार, टीम के साथ यार वो कैच आपका फाइनल लेगी ना, वही एक कैच थी जो आप, और क्रिस जॉर्डन देखो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई कि वो पावर प्ले का आखिरी ओवर आएंगे डालेंगे, और गिल ने भी इजी समझा कि हाँ हो जाएगा खेल लूंगा क्रिस जॉर्डन क्या है, और वो कैच दे दी उन्होंने सीधे। और टिम डेविड मेरे भाई तुमसे ना कल बैटिंग हुई, कल मैं सबसे बड़ा किसी को गुनहगार मानता हूँ ना वो टिम डेविड ही, मेरी नजर में वो टिम डेविड है ना, आपने रन बनाए ना आप क्लोज लेकर गए है ना, जब टिम डेविड आउट हुए हैं उस वक्त 5-6 ओवर पड़े हुए थे मुंबई के पास जब टिम डेविड आउट हुआ है, और रन कितने बनाने थे आपको, महज 70 रन के आसपास बनाए। अब आए जी लास्ट में आवेश खान या फिर कुलदीप यादव, आवेश खान को शायद एलएसजी खिला भी नहीं रही, खिलाया था देखे अब तो नहीं खिला रही थी एंड में, आवेश खान के साथ दिखा दीजिए, आवेश खान जो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया प्रॉस्पेक्ट है नेक्स्ट बार इंडिया, जब से इन्होंने छक्का खाया लास्ट बॉल पे केएस भरत से जब ये दिल्ली में खेलते थे तब से इनका करियर बिल्कुल ही अलग हो गया, नहीं एशिया कप में खेले ना तब से बाहर हो गए। आवेश खान 9 मैच में 8 विकेट है, इकोनॉमी रेट ऑलमोस्ट 10 की है, बेस्ट ऑफ 3 for 25, बट मजा नहीं आ रहा बिकॉज जिस तरीके से शुरुआत हुई थी दिल्ली कैपिटल्स के बाद बहुत अच्छा था, पर उसके बाद बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस इनका खत्म ही हो गया जब से केएस भरत ने छक्का मारा। इंटरनेशनल भी खेला इन्होंने, वेस्ट इंडीज वगैरह भी गए थे, बट रन मशीन के तौर पे साबित हुए कि पिटना जब शुरू होता है तो पिटते ही रहते हैं और रनिंग खाते रहते हैं, उसके बाद इनके पास कोई सोल्यूशन होता नहीं है। कुलदीप यादव को भी दिखा दीजिए यार, कुलदीप यादव का पिछला सीजन इतना अच्छा गया था, इस बार पूरी पता नहीं क्या हो गया इस बार, बहुत डिसअपॉइंट है। दो नाम कोई है बॉलर्स में तो मेरे लिए उमरान मलिक और कुलदीप यादव है, क्योंकि उमरान मलिक ने इकॉनॉमी अच्छी खासी खेल रहे थे, यही इनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इकॉनॉमी इनकी अच्छी है, लेकिन विकेट उस हिसाब से इनको नहीं मिले हैं। जब भी कुलदीप यादव आते तो आप एक्सपेक्ट करते हैं विकेट आएगा, लेकिन ये नहीं हुआ इस सीजन में, आईपीएल का सीजन मेरे ख्याल थोड़ी ज्यादती है कि इनको आपने फ्लॉप लिस्ट में रखा बिकॉज इकॉनॉमी इतनी अच्छी है ना, जब जब भी दिल्ली के सामने बड़ी बड़ी पार्टनरशिप बन रही थी पार्टनरशिप ब्रेकर का इनको ऑफर मिला हुआ था पिछले सीजन तक। आप मुझे वो दिखाइए सुपर चैट दिखा दीजिए फटाफट, टीम में जब भी आते हैं प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हैं, अचानक से लंबे ब्रेक के बाद आएंगे और ट्रॉफी जीत जिता के ले जाएंगे मैच। सुपर चैट पढ़ दीजिए शारु जी, लॉर्ड कह रहे हैं कैप्टन ऑफ फ्लॉप 11 सुश, वाइस कैप्टन नितिन सपोलिया क्या होता है खोबरे, किसी की जगह भी ले लो इम्पैक्ट को उतना ही देखो, रियान पराग ऐसा प्लेयर है जिसको आप किसी की जगह पे ले लोगे वो उतना ही फिट है, वो इम्पैक्ट देगा चाहे बॉलर हो चाहे बैटर हो, दिखा दो भाई रियान पराग है। हाँ ये देखो 7 यार, इसको नहीं रखा आपने, इंपैक्ट प्लेयर है हमारे, इंपैक्ट प्लेयर रियान पराग, आईपीएल 2023 में 7 मैच में 78 तालियां इनके लिए यार, ये एवरेज 13 दीपक हुड्डा ही है, ये ना दीपक हुड्डा 7 की एवरेज है, ठीक है ये इंपैक्ट प्लेयर का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन है, 7 मैच में 13 की एवरेज है और 118 की स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट 20 रन है। और ये स्टेटमेंट देते कि मैं एक ओवर में 4 छक्के मार दूंगा, तो स्टेटमेंट तो कोई भी दे सकता है। अभी जब राजस्थान में कमबैक हुआ था इनका आखिरी के आखिरी मैच में, तब उनके थोड़े बहुत नीचे पृथ्वी शॉ लिखा हुआ है आपने, वो थोड़ा मनुष्यता आपने डबल कर दी दोनों को जोड़ के। चलिए वापस आ जाइए, फ्लॉप 11 का फुल स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा एक बार, फ्लॉप 11 इंपैक्ट प्लेयर रियान पराग हो गए, अब संतुष्टि मिल गई। कुछ लोग बोल रहे थे रियान पराग द लॉर्ड को बाहर रख के आपने कैसे बाहर रख दिया, इंपैक्ट प्लेयर में रियान पराग भी है। तो फ्लॉप 11 ऑफ 2023 रोहित शर्मा कप्तान, तालियां पृथ्वी शॉ, तालियां बाकियों के लिए मारो, राहुल त्रिपाठी तालियां, दीपक हुड्डा तालियां, अबे तालियां बजाओ, एडियन मार्कम तालियां, दिनेश कार्तिक तालियां, अम्बती राइडू डबल तालियां, आंद्रे रसल तालियां, उमरान मलिक, क्रिस जॉर्डन, आवेश खान, कुलदीप यादव नहीं मानता लेकिन हाँ, और इंपैक्ट प्लेयर रियान पराग, वाओ स्टैंडिंग ओवेशन।